हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मलमास के पुआ। आज उसकी हम आप लोग को रेसिपी भी खाते हैं। ये हमने गर्म होने के लिए पानी रख दिया है और इसमें चीनी डाल, गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा भुनना हो जाए कि चीनी हमारी पिघल जाए। ले लिया है मैंने गेहूँ का आटा और इसमें डालेंगे हम एक चुटकी खाने वाला सोडा और मोवन देने के लिए थोड़ा सा डालेंगे। और इसमें रिफाइंड ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। ये देखिए चीनी हमारी घुल गई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है तो कोई बात नहीं, उसी में हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब इसको धीरे धीरे मिलाते हुए, पूड़ियों के जैसे हमें आटा ना बहुत गीला होना चाहिए ना बहुत टाइट होना चाहिए। ये देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है और इसमें हम ये उंगलियां, अपने दोनों हाथ की उंगलियां छाप जरूर छापना चाहिए आटे में। कभी भी आटा रोटी का भी गूंदिए, किसी चीज़ का भी पूड़ी के लिए, इसमें उंगलियां जरूर छापना चाहिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे, थोड़ा सा फूल जाएगा तो अच्छे पुए हमारे बनेंगे। तब तक हम अब रख देते हैं गैस पे, कढ़ाई गर्म हो जाए, तेल जब तक गर्म होगा तब तक हमारा आटा तैयार हो जाएगा। ये मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, इसको कर देते हैं सिम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में। जब तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं ये छोटी सी पहले एक बना के डालती हूँ। ये हमारे यहाँ गाय नहीं है तो मैं चिड़ियों को तोड़ के डाल देती हूँ, चिड़िया खा लेती हैं। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ, पूरी तलती हूँ तब भी छोटा सा पहले बना लेती हूँ और चिड़ियों को तोड़ के डाल देती हूँ। हमारे यहाँ चिड़िया बहुत ऐसे ही गोल गोल देखते हैं, तैयार कर लेंगे। मोटे ही मोटे रखना है, ज़्यादा पतले नहीं करना, नहीं तो फूलेगा नहीं। ये देखिए कितना अच्छा फूल के तैयार हुआ है, हुआ हमारा बहुत अच्छा फूला हुआ है। इसमें हम और डाल देंगे, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मेरे सारे पुए बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो रहे हैं। देखिए मेरे सारे पुए बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो रहे हैं। आप भी ऐसे बनाइए और अपने बहन बेटियों को मलमास के पुआ भेजिए उनको। और सावन में मलमास पड़ा है, अब की बार बहुत अच्छा है, दान करना चाहिए सब लोगों को, अपने ननद को, बहन बेटियों को, सबको भेजना चाहिए मलमास के पुआ, बहुत शुभ माना जाता है। देखिए हमारे पुए बन के सारे तैयार हुए हैं, इतने अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा बना है, खाने में भी बहुत स्वाद लगता है, इसमें बहुत स्वाद आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग को कैसे लगते हैं कमेंट में बताइए। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।